एकदम ठीक है। बच्चा का मतलब बच्चा चाहिए, नहीं चाहिए। मुजफ्फरपुर जिला में आज एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। 4 साल की लड़की राधिका कुमारी का 2 तारीख को अपहरण हो जाता है और उसके बाद आज उसकी लाश मिलती है। अगौड़िया बाजार पर पूरे परिजन और समाज के लोग जो है आगलगी जैसी घटनाओं को अंजाम भी देते हैं, यहाँ तक कि पुलिस पर पथराव भी होता है। और पुलिस पर पथराव होता है, ये एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, इसमें जो है राधिका कुमारी का शव जो है पोस्टमार्टम करके आया हुआ। स्थिति ऐसी है कि पूरी तनाव की तरह बनी हुई है, पूरे अघौड़िया बाजार जो है पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। और पुलिस छावनी में इसलिए तब्दील हो चुका है कि शांति व्यवस्था लोग बनाए रहें, और यहाँ पर जिले के SSP जयकांत भी घटनास्थल पर पहुँचे हों और अपने स्तर से पूरे घटनाक्रम को जो है वो संज्ञान ले रहे हैं। एक एक बिंदु पर जाँच प्रक्रिया जारी है और SSP ने ये भी कहा है कि पीड़ित परिजन के साथ इंसाफ होगा और अपराधी चाहे जहाँ भी होगा उसे हर हाल में गिरफ्तारी हो जाएगी। जांच की प्रक्रिया जारी है और अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ के तमाम घटनास्थल को, और आप इस घटनास्थल से जो है आगे पूरी चीज पूरी प्रक्रिया को आपको दिखाया जाएगा, एक एक बिंदु को दिखाया जाएगा। देख लीजिए ये जो गेट बंद है अभी, ये वही गेट है जिसके अंदर 4 साल की मासूम राधिका कुमारी अपने ननिहाल में आई थी। और ननिहाल का मतलब हो गया कि वो लोग यहाँ पर किराए पर रहते थे। इस मकान मालिक के पास 4-5 अपना रूम है और 4-5 रूम में 4-5 लोगों को किराए पर किराया दिए हुए हैं। हालांकि इसमें मकान मालिक का कोई कसूर कहीं से भी नहीं है, चूंकि किराया देना और किराए पर किसी को रखना या तो कोई कानूनी अपराध नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर घटना जो हुई कि यहाँ 4 दिन पहले यहाँ से एक बच्ची आती है ननिहाल में और कुछ लेने जाती है, वहीं से कोई एक औरत जो है उसको कोई चीज़ हाथ में लेकर और इस जगह से एरिया छुड़वा देती है। और छुड़वाने के बाद परिजन जो है एक आवेदन भी देते हैं काजी मोहम्मदपुर थाने में, और उसके बाद आज जो उसकी शव बरामद हो जाती है, जहां से इसी एरिया के लोग जो है आक्रोशित हो जाते हैं। लेकिन एक दूसरी भी घटना घटी है कि पुलिस को यहां के लोगों का कहना है, ये मकान मालिक का कहना है और इसमें जो रहने वाले अदर किराएदार का कहना है कि पुलिस हमें बेरहमी से मारी है। आखिर हमारी क्या कसूर है? हमारा कसूर इतना है कि हम किराए पर रहते हैं और यह भी जो है पुलिस जो है बेरहमी से मारी है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का हाथ पैर और ऐसे कई अंग जो शरीर के हैं जो किसी काम के नहीं रह चुके हैं। ये आप लोग किराए पर रहते हैं? बिना कुछ पूछताछ के मारा? कहाँ की पुलिस मारी है आप लोगों को? काजी मोहम्मदपुर थाना मुजफ्फरपुर। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? हम सर घर मालिक है भैया, वो घर मालिक अपना घर में ताला मार के उसका कुंची हुआ नहीं हुआ हम सब से मतलब ही नहीं। काहे के लिए आप लोगों को मारा है? हम लोग घर में है, रेंटर है, इनको मतलब मालिक सब को है, बेगर कसूर के हम लोग के घेर घेर के मार रहा है। काहे मारेगा? हम लोग क्या बिगाड़े? हम लोग वोटन वोटन हम लोग क्या बिगाड़े हैं? हम लोग से मार रहा है, हम लोग का मार रहा है, बहुत घर में मारेगा, हमको मार रहा है, सब रेंटर के मार रहा है। क्या चीज कर रहा है बच्चा सर? याद ना ना बाबा ना ना के मारा जो क्या किया हम लोग नहीं जानते हैं भाई। मेरा बच्चा मारेगा भाई, ला दे बच्चा पढ़ने वाला लड़का है, नामा में पढ़ता है, बताइए वो हाथ टूटा हुआ है, उसी को दवाई लाने गया।
क्या चाहती है प्रशासन से, क्या चाहती है? हिंदू को 80% मुसलमान उस लड़की को खोजने दुकान पर से लड़का को पकड़ के फिरोज के आप गाड़ियाँ बैठा के इतनी मार मारी से गाड़ियाँ बैठा के ले गया। हम हाथ जोड़े हैं कि भैया छोड़ दीजिए, बेकसूर है, उधर जा रहा है, बस नहीं छोड़ी उसको लेके चला गया है। फिरोज नाम है, फिरोज मेरा लड़का है। अच्छा, किस कारण से दंगा भड़का है, क्या कारण हो सकता है, क्या लग रहा है, किस कारण? हम लोग तो आते थे, अब उसको भगदर मचा, तब जिसको पाइएगा उसको पकड़ के ले जाइएगा। कैसे पकड़ के ले जाइएगा? भगदर किस बात से मची? अब वहाँ पर हुआ मचा, जब कोई हुआ है यहाँ पर कांड हुआ है तो इसी के लेके ना, तो पब्लिक को कैसे पकड़ के ले जाइएगा, मारिएगा, पकड़ के ले जाइएगा? निर्दोष के जो कसूर है उसको ना ले जाना चाहिए, निर्दोष का कैसे ले जाइए पकड़ कर? हमको बच्चे को छोड़ो। क्या नाम है उस बच्चे का? फिरोज, मोहम्मद फिरोज। पिता का नाम? मोहम्मद उस्मान कुरैशी। आप कौन है? उनकी अम्मी हमारे। बोलिए। बच्चा के नहीं मालूम था कि वहाँ पर भजगर मोर्चा हुआ है। अच्छा। बस वहाँ पर साहब पकड़ कर वहाँ पर उसको लाठी चार्ज करने लगा। कहाँ गया था बच्चा? बच्चा दवाई लेने गया था नीम दवाई के दुकान, समझे? ये मेरा हाथ टूटा है इसलिए, दर्द का दवाई लेने गया था। इसी पर सर लोग पकड़ कर उसको ऊपर वहाँ पर लाठी चार्ज करने लगा। क्या नाम है बच्चा का? प्रेम कुमार। दवाई लाने गया था? पढ़ता है सर बच्चा, नामा में पढ़ रहा है, पुलिस के हाथ में है बच्चा। कितनी उम्र का बच्चा है? बच्चा 16 साल का है। 16 साल का है। कहाँ के रहने वाला है वो? लच के रहने वाले हैं। दवा लेने गया था नीम चौक पर, दवा लेने गया था। पुलिस ने जो है उसको लाठी चार्ज करके उसको मारने लगा। लाठी चार्ज करके वहाँ पे जहाँ पे अगजनी, वहाँ पे अगजनी में भी शामिल नहीं, जा ही रहा था तो भागा नहीं, पता नहीं चला, बस उतने पर इसको पकड़ लिया पीछे। क्या नाम बच्चे का? प्रेम कुमार। आपका क्या नाम है? सरिता देवी। आपका कौन लगता है? कल भी चला है 2-3 बजे के करीब में, बच्ची यहाँ पर गिरा हुआ है, बच्ची मार के कोई पानी बिक दिया टावर के पास। हम लोग दौड़ के गिए, देख रहे हैं किसका बच्ची है, किसका बच्ची है, तो हम नहीं देख के नहीं उठाए लोग, तो प्रशासन को बोला है तो प्रशासन उठाए। हम प्रशासन के बोले से ही घर घर पैसे का के देखिए तीनों घर बच्चा किसने चोरी किया हुआ है, अब देखे है, देखे है बच्चा उठाया है, अब देखे है, भगा दिया झाड़ के लोग। नहीं बच्चा हम लोग लेकिन प्रशासन चेक नहीं किया। 2 लाख रुपया घूस ले लिया, 3 लाख रुपया अंदर जाके हम केस हम लोग के जान दिया, लोग को जान से मार दिया, जान का मार दिया है बच्चे। दुश्मनी थी क्या? ना कुछ दुश्मनी है, कुछ बच्चे को मारेगा क्या कारण था? क्यों मारा नहीं मारा से उस जाने हम नहीं जानते हैं, समझे? अभी आपको चोट कैसे आया? चोट आया है सारा, पुलिस मारा है, मिल के प्रशासन मिल के मारा है, बच्ची का नानी है। क्या नाम है? और नाम है मच्छिया देवी। नाना का क्या नाम है? नाना का नाम है राजदेव महतो। घर कहाँ हुआ? सतपुरा है घर, हम किरदार पर है। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं बच्ची के बदला बच्ची दीजिए, सुसाइड कीजिए। बस क्या इन्वेस्टिगेशन पता चला? मुजफ्फरपुर में काजी मोहम्मद थाना क्षेत्र में एक बच्ची जो कि घर से निकल गई थी, किसी जिसकी उम्र लगभग 4.5 साल है, इस मामले में वो बाद में मिसिंग हो गई। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी मिली, पुलिस ने मिसिंग के दौरान ही FIR दर्ज कर लिया था और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन से CCTV जो देखे गए उसमें पता लगा कि वहाँ घर के पास से कुछ दूरी पर एक महिला जो कि बच्ची को ले कर जा रही थी। देखा पूरे घटनाक्रम को, और पूरे घटनाक्रम के देखने के बाद इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE News बिहार, धर्मचंद यादव।